आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर का गेट है, और इससे पहले आप लोग वीडियो देखे होंगे कि इसका निर्माण कार्य चल रहा था। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर अभी चल रहा है या फिर पूरा हो गया है, तो इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ का अभी निर्माण कार्य चल रहा है और नवरात्रि आने वाली है, खासतौर पर इस नवरात्रि पे चालू हो जाएगा। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन SBI की तरफ से, और यहाँ कई सारी आपको दुकान वगैरह मिल जाएगी। चलिए आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा ही दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेलिंग वगैरह टाइप का ये लगा, खंभा वगैरह लग चुका है। यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने के लिए, और लिफ्ट भी बन रही है, अभी लिफ्ट बनी नहीं हुई है, ऊपर चलेंगे आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो में देखे होंगे तो पूरा टाइल्स वगैरह का काम चल रहा था, और इसके ऊपर जो सीलिंग वगैरह है ये सब भी बना हुआ है, इस पर लाइट वगैरह का काम किया गया है, और पानी वगैरह कभी मतलब कभी आग वगैरह लगे तो पानी अपने आप गिरने लगे। ये देखिए फिनिशिंग का काम चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी आपको मंदिर दिखाते हैं, आप हर जगह से मंदिर का नज़ारा ले सकते हैं, हर 2-3 मिनट खिड़कियां हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा बहुत, जो कि नवरात्रि आ रही है तो लोग दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो एक बार आप लोग जयकारा लगा दीजिए, जय माँ विंध्यवासिनी मैया की जय। और यहाँ पे ये कुछ रूम वूम टाइप का शायद बना रहे हैं क्या, 47-46। रूम बनाओ थे क्या, वो तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और एक बार नज़ारा आप लोग को ऊपर से दिखाते हैं। ये पूरा परिक्रमा मार्ग है, ये देखिए ये पूरा गोला गोला परिक्रमा कर सकते हैं, फिर से मंदिर का नज़ारा। और उधर लिफ्ट वगैरह लग रही है, वो भी दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए, और यहाँ पे हवन वगैरह किया जाता है, ये देखिए हवन यहाँ पे चल रहा है। अभी देख सकते हैं सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है, ये लिफ्ट है, ये देखिए लिफ्ट का ये बना हुआ है, नीचे पूरा मंदिर वगैरह है। ये देखिए यहाँ पे अलग से पूजा कराई जा रही है, और यहाँ पे हवन हो रहा है, और ये देखिए लंबी लंबी लाइन में धूप में लोग खड़े हुए हैं। इस कॉरिडोर के बन जाने से काफ़ी मंदिर का शोभा भी बढ़ गया है, और यहाँ के लोगों को काफ़ी रोज़गार भी मिल गया है। हालांकि पहले भी था पर कंजेस्टेड था, क्योंकि अगल बगल पूरा मकान ही मकान मिला था। अब मंदिर भी अच्छा लग रहा है, और बाकी तो आप देख ही सकते हैं। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये मंदिर के
सामने गली है, पूरा पिंक पिंक टाइप का हो गया ये भी। यहाँ नीचे सब वीआईपी गाड़ी वगैरह लगी हुई है। इधर साइड में देखेंगे तो आप, इधर साइड में गंगा जी है, जब बाढ़ वगैरह आता है तो सब दिखता है, पूरा भर जाता है पानी, वो भी चलता है, आप लोग को दिखाते हैं गंगा द्वार वगैरह। देख सकते हैं ये गंगा द्वार का वो है, और यहाँ पे भी पूरा पत्थर वगैरह बना दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, अब हो सकता हो मैं भी ऊपर से छावनी टाइप का बनाया जाएगा। और अभी फिलहाल पिलर वगैरह खड़ा किया गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और कॉरिडोर टाइप का बन गया है। सामने आपको देख सकते हैं गंगा जी, जो कि आपके प्रयागराज से होते हुए वाराणसी वायब निकल जाती है बंगाल की खाड़ी में। इधर भोलेनाथ, हर हर महादेव शंभु। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं, जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं। उसके बाद अपना दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी नवरात्रि के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, ये यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। उधर भी लोग हो रहे हैं, नहा रहे हैं, सफाई का काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जगह गंदा है, तो कितना भी साफ करते रहिए गंदगी लोग फैलाएंगे जहाँ चार लोग आएंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, जब तक किसी नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह मैं वीडियो लाता रहता हूँ। अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा भाई लोग, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए।